हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमलन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि नाइट को बहुत ज़बरदस्त वे में हुई है। मैं भी इफ़ेक्टेड हुई हूँ, पर ये इफ़ेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान हुआ। नहीं, ये बहुत बड़ी पावर्स आई है जिसका अभी मुझे एक न्यू पावर है, शायद आप लोगों के तक नहीं पहुँची होगी या अभी तक नहीं पहुँची, क्योंकि ये बहुत हाई डिमेंशनली पावर है। तो लेकिन फिर भी अभी मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इसका क्या मीनिंग है, ये किस तरीके की पावर है ये। क्योंकि सारी राइट मेरे क्राउन चक्रा में पेन रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हेडेक, इतना हेडेक था कि उसके साथ साथ तो मुझे नींद में भी डाला गया, बहुत ज़बरदस्त नींद मेरी एकदम से। देखो, मेरा थ्रॉट ब्लॉक करा दिया गया कि आपको मैं एनर्जी अपडेट ना दे पाऊँ, लेकिन मैं दूंगी क्योंकि डेविल्स अपना काम करते ही करते हैं। ठीक है, मैं नाइट से ही सर में मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक है, इतना हेडेक है कि मुझे कुछ बिल्कुल नंब आउट हूँ। इस टाइम डाटा मेरा जीरो किया गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या ऑब्जर्व हो रहा है बॉडी में, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन हाँ, लेथार्जी हूँ, बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, हेडेक बहुत ज़्यादा दर्द है, किसी से बात करने का मन नहीं है राइट नाउ। और कुछ है ऐसी पावर जो अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ क्या हो रहा है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ मेरी स्टकनेस थी, मतलब मेरी क्या आप लोगों की भी हो सकती है, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है ये, लेकिन ये हाई डायमेंशनली टीएफ के साथ होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी बहुत हाई डायमेंशन में अचीव किया हो तो आपके साथ ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा, इतना कि अनलिमिटेड, वो गैस ही नहीं कर पाओगे कि आप पेन आ कहाँ से रहा है। क्राउन चक्रा पूरा पेन है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्व करना मुश्किल हो गया है। हीट आपको हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको हीट फील हो रही होगी आपकी बॉडी में। थ्रॉट एकदम से अचानक अभी बंद किया गया था, जो बोलने में पेन हो रहा है, मतलब तकलीफ़ हो रही है बोलने में भी, बॉडी काम नहीं कर रही है इस टाइम। ठीक है, नंब आउट हैं बिल्कुल, नींद में है, बार बार सुलाया जा रहा है, बार बार, बहुत गहरी नींद में, इतनी गहरी नींद में जब भी उठोगे जब भी आपको पेन शुरू हो जाएगा। हाँ, तो फिलहाल आपके जहाँ जहाँ आपके पेंडिंग काम थे आपके पास्ट कर्मा को रिलेटेड, क्योंकि वो रिपीट कराए गए हैं पास्ट एनर्जी शिफ्ट करा के 3D में वर्क करने के लिए, वहाँ वहाँ स्टकनेस जहाँ जहाँ थी वहाँ से ब्लॉकेज को दूर करना है। तो आपके सामने फिर से एक बार डिवाइन टेस्ट बार बार रिपीट करवाए जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको छोड़ के जा चुके थे, फिर से आपके डिवाइन टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं उनके साथ, उनको आपके साथ फिर से कनेक्ट कराया जा सकता है। अब आपका टेस्ट इस तरीके से होगा कि अब आप 5D लेवल के हिसाब से डील करते हो या 3D के हिसाब से, वो आपके ऊपर तय है, मतलब कि डिवाइन का टेस्ट है। बहुत सारे आप लोगों ने भी कुछ ऐसी सिनेरियो बनाए थे जो आपको पे करना होगा, इसीलिए लेट गो करने के लिए आपको पास्ट कर्म फिर से रिवील करा दिया गया सामने। फेस टू फेस जो छुप चुके थे फेस, वो फिर से सामने रिवील होंगे। आपके साथ किसने गलत किया या आपने किसके साथ गलत किया, वो सब सामने रिवील होंगे, हो रहे भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये अब आपका लास्ट डेस्टिनी है, मतलब कि अब आपकी कम्प्लीशन होने वाली है। बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे थे, अब कम्प्लीशन इस तरीके की होगी कि आपको एक ऐसे सिनेरियो में बांध दिया जाएगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने अपने पार्टनर के साथ, हमेशा दोनों ही एक दूसरे के लिए, जो मेट फॉर ईच अदर का जो सिनेरियो था, वो हमेशा के लिए एक बंधन में बन जाएंगे, फिर उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ये एक ऐसा परमानेंट यूनियन से भी ज़्यादा ये यूनियन पवित्र बंधन है, जो कि अभी एक लस्ट कह लो उसके अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ था 3D वर्ड के साथ। ये 3D से भी कई गुना ऊपर, 5D लेवल से भी कई गुना ऊपर, इतना बड़ा सिनेरियो है ये, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचे होंगे, मैंने तो नहीं सुना अभी तक, लेकिन बहुत कम। ठीक है, ये सच्चाई है जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि डिमेंशन टू डिमेंशन हमें एक अच्छा आपके सामने रखना पड़ता है कि आप लोगों के एक बंधन में बनते हो। ये आपकी सोच और आपका अलाउ करना ही आपको यहाँ तक लेके आता है, और ट्रस्ट करना इस जर्नी पे, जो ट्रस्ट करते हैं वही पहुँच पाते हैं। ठीक है जी, तो आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के मैरिज को लेके। ये मैरिज का सिनेरियो है जो कि नेक्स्ट मंथ 5/5 पोर्टल से स्टार्ट होगा। बहुत से लोगों के रिश्ते शादियाँ यहाँ होने वाली हैं TFs की। वर्क करो, अच्छे से वर्क करो, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ रिमूव करो। बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, कमिटमेंट मिल सकता है आपको शादी का। कुछ सेक्सुअल डिज़ायर को लेके आपके जो भी सिनेरियो बना था पास्ट में, उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। बहुत सारे आप मल्टीपल रिलेशन में आए होंगे, उसको लेट गो कीजिए। अगर आपके बार आपके
दोबारा से आपके पास में अगर रिवील हुए हैं तो लेट गो कीजिएगा, बहुत प्यार से, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके नहीं, इस तरीके से करना है कि इसको रिलीज़ करना है, जीरो करना है, ठीक है जी। क्योंकि आपके पार्टनर आपकी जैसी पावर में आ रहे हैं, आप दोनों ही सेम पेज पर हैं इस टाइम, दोनों को ही रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। जहाँ जहाँ आपके साथ गलत हुआ है वहाँ पर इन्हें माफ़ करके लेट गो कर दीजिए। बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप दोनों ही पीछा, आप दोनों बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि आपके अब जीरो लेवल पे आने का टाइम आ चुका है। आप दोनों जब एक दूसरे को डेडिकेट कर लेंगे तो इसका मतलब होता है कि अब आप किसी के भी पीछे नहीं है, आप लोगों एक दूसरे के लिए ही बने हों, वो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए तो कमिटमेंट मिलेगा आपको शादी का, जब आप एक दूसरे के लिए सोच लेते हो। ये बहुत बड़ा सिनेरियो है, अभी आपको शायद कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं समझ आएगा। जो हायर डायमेंशन की सोल होंगे वो इजली समझ सकती हैं, ठीक है जी। क्योंकि मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है बताने में, तो मैं आपको शायद नहीं बता पा रही हूँ खुल के, क्योंकि मेरा भी अभी माइंड नंब आउट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं आप तक वो बात पहुँचा दी जाए। क्योंकि ये चीज़ निकल जाएगी तो फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ी पावर आ रही है, आ चुकी है, आपका क्राउन चक्रा इफेक्टेड हुआ है, तो अब समझ लेना कहीं ना कहीं आपके आपके वो पावर मिलने वाली है, कोई ऐसी पावर मिलेगी जो आप बड़ी ईजिली अपने ब्लॉकेज को दूर कर पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उसके लिए पावर गेन करनी होती है, स्ट्रेंथ गेन करनी होती है, जो डिवाइन हमें देते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है, तो अपने अपने वे को देखिएगा आपको कैसा फील हो रहा है। तो फिलहाल ये अपडेट थी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।